जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर करने लगे, जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इंटरेस्ट हमेशा के लिए धीरे धीरे लूज करने लगे, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि एक दिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ देगा हमेशा के लिए। क्योंकि तुम्हारी जो चीज़ें होती है वो तुम्हें नोटिस करनी होती है। और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर से इसी बात पे झगड़ा करते हो कि यार आजकल तुम बदल के हो, धोखा दे रहे हो वगैरह। ठीक है, इससे तो कुछ होना नहीं, इससे तो क्या होगा कि वो झगड़ा अभी से स्टार्ट हो जाएगा और उसी चीज़ पर वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसका लूज हो रहा है ना। लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, धीरे धीरे ये चीज़ें तो ख़राब होनी होनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो ये तुम्हारे हाथ में होता है। जब से रिलेशन हमारा स्टार्ट होता है अपने पार्टनर के साथ, तब से कुछ चीज़ें हम गलत करें, यानी कि गलतियाँ हमारी तब से स्टार्ट हो जाती है। धीरे 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 जैसे गलतियाँ बढ़ती जाती है, फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता है, वो इग्नोर करने लगता है एंड एक दिन वो छोड़ देता है। बहुत सारे लोग जो जानबूझकर लेकिन अनजाने में ही बहुत सारी सही चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी कि वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे होते, इसके कारण हमेशा उसके पार्टनर का जो इंटरेस्ट होता है वो बनता रहता है। आपने एक चीज़ सोची होगी कि जो लोग रियल में ट्रू लव करते हैं ना, उनके साथ बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो गलत होती हैं। लेकिन जो फेक लव करते हैं ना, उन लोगों को हमेशा लोग ज़्यादा प्यार करेंगे। ये चीज़ आप नोटिस करना, क्योंकि वो लोग जो फेक लव करते हैं ना, वो दिमाग से सोचते हैं, एंड जो प्यार करते हैं वो बेचारे तो दिल की सुनते हैं, इसमें उनको प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर हम रिलेशन के पहले दिन से कुछ चीज़ें ध्यान रखें, खैर वो तो आपने रखा नहीं होगा, आपको कोई ऐसा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि प्यार करूंगा और प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गलती करते जा रहे हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि इग्नोर कर रहा है, अभी लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही, तो अभी से सुधरना बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप में तुम्हें कौन सी गलतियाँ जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि एक दिन आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, और वो आपको होने नहीं देना है। सबसे पहली चीज़ कि हमारी किसी भी हरकत से, ना बोलकर ना बॉडी लैंग्वेज से, कोई हमारी एक्शन से, हमारी हरकतों से अपने पार्टनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशन की बात बोल रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में आपका कोई भी रिलेशन हो, किसी भी टाइप का हो, बिजनेस हो, पर्सनल हो, या कैसा भी रिलेशन हो लोगों के साथ, जब तुम ये दिखाते हो ना कि हमें उनकी ज़रूरत है, तब वो ना अपनी प्राइस बढ़ा लेते हैं। लोग हो या कोई चीज़ है किसी भी, जब उनको लगता है कि अपनी डिमांड है, तो वो अपनी प्राइस हमेशा बढ़ा लेंगे। लेकिन आपने देखा है ना कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कपड़े के सेल लगते हैं, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो वो अपना बेचना चाहते हैं। ठीक है, सामने से बुला रहे कि आओ आओ, ठीक है, लेकिन जो लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है, वहाँ पे घुसने नहीं देंगे आपको वहाँ, क्योंकि उनको पता है कि यार मार्केट में इतनी डिमांड है, ठीक है, कोई ना कोई लाखों करोड़ों में खरीद लेगा। तो चीज़ ये हमें दिखानी है, क्योंकि कोई नीड नहीं है, हमें उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा इस रिलेशन में। हम क्या कहते हैं, हम महाराजाओं की तरह कहते हैं कि तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, और दो दिन फोन ना करे तो यार तुम अब प्यार नहीं करते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम मेरे साथ सीरियस ही नहीं हो। इससे भाई उनको पता चल रहा है कि तुम्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज़रूरत है, तो वो ऐसा करेंगे ना भाई। हर किसी को ऐसा लगता है, कोई कहे कि यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इट मीन्स कि तुम्हें उनसे चाहिए। तो अपनी नीड ना रिलेशन में मत दिखाओ, ठीक है, कूल रहो। कुछ भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, चीज़ें आपके साथ ऐसे करते हैं ना, तो पागल मत हो जाओ यार, मतलब तेरे बिना तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि कभी भी ना ऐसे प्रॉमिस, कभी भी ऐसे वादे, वो भी बोलकर या किसी भी हरकत से मत शो करो, या आप कभी उनको छोड़ के नहीं जाओगे। क्या आप उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन नहीं हो कि जो हमेशा उनका साथ निभाने वाले हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए? ऐसे प्रॉमिस मत करो किसी भी तरह से। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान को अगर कोई यात्रा करनी है, ट्रैवलिंग करना है, और उनको पता है कि जहाँ पर जाना है, बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, ठीक है, तो उनके पास अगर कंफर्म टिकट होगी ना, तो वो अपनी लाइफ में ना एकदम रिलैक्स होगा कि कल जाना है, अपने पास टिकट है, चले जाएंगे। लेकिन अगर उनकी टिकट कंफर्म नहीं है ना, तो रात को उसको नींद नहीं आएगी। बंदे को तब लगता है कि यार अगर टिकट मिलेगी ना तो बात बनेगी, अदरवाइज तो मैं जा नहीं पाऊँगा। हम ना रिलेशनशिप में ये कन्फर्मेशन दे सके, नहीं शादी तो तेरे से ही करूँगा, या मतलब तू लिख ले,
तो अब चीज़ देखो कि यार उस पर्सन को ना कोई अंदर से वो जली नहीं पी, क्योंकि वो बिंदास होगा। अब मैं इस लड़के को टाइम दूँ, इस लड़की को टाइम दूँ, इसके लिए कुछ करूँ ना करूँ, क्योंकि ये तो कन्फर्म डिग्री है ना मेरी, मेरे साथ ही आएगी जहाँ भी जाऊँगा पूरी लाइफ। तो तुम चाहते हो कि यार वो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी परवाह करे। वो लोग क्यों करते हैं? वो लोग इसलिए करते हैं ताकि तुम कंट्रोल में हो जाओ, तुम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करो जब वो ऐसा चाहते कि तुम करो, इसीलिए वो करते। लेकिन तुम तो कह रहे कि नहीं भाई, हम तुम्हारी कन्फर्म डिग्री है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं होता दोस्त, ऐसे कभी नहीं होता। लोगों को तुम ऐसे ही फालतू में मिल जाओगे ना, तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए तुम्हें उनके साथ रहना है, लेकिन ऐसे प्रोमिस वोमिस तुम्हें कुछ करना नहीं। तो क्या होगा कि तुम कभी ऐसा दिखाओगे नहीं कि हम तुम्हारे साथ ही है, शादी ही करेंगे, ठीक है। तो उनके मन में ये कभी इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं कि यार इस इंसान के साथ अगर लाइफ जीनी मिले ना तो मतलब बात हो जाएगी। ये तो पहले ही उनको सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये तो हमारे साथ ही है, तो अब वो इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा। लेकिन तुम नहीं दिखाओगे ना तो उनको लगेगा कि यार ये इंसान है ना बढ़िया है, इसके साथ मुझे पूरी लाइफ दिखानी। तो वो वाला इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब तुम ऐसे फालतू में प्रोमिस नहीं करोगे किसी भी तरह से। तीसरी तरह की चीज़ होती है कि हम अपने पार्टनर को ये दिखाते हैं, ये वाली गलती हम ये करते हैं कि भाई यार तेरे साथ जो मेरा कनेक्शन बना ना वो मस्त कनेक्शन है, मेरी लाइफ का बेस्ट कनेक्शन है, मेरी लाइफ में इतनी खुशी इतनी हैप्पीनेस कभी आई नहीं, क्योंकि लोगों ने कभी मुझको इतना प्यार किया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी लाइफ में तो बुरा बुरा ही हो रहा था। तुम आए, ठीक है, तब से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट किया, ये मत कहना उनको, ये तो कभी मत कहना जाए, क्योंकि फिर तो उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाइफ की खुशी का राज वो खुद है। और ऐसा तुम कहते हो ना कि किसी ने मुझे पहले छोड़ दिया था, किसी ने मुझे चीट किया था, ठीक है, लोग क्या नहीं कहते, लोग अपने माइंड में इस बात को कैसे लेते हैं पता है, कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, और उनको लगता है कि मैंने तो उसको कुछ समझ लिया था, लेकिन असल में बात वैसी नहीं है। तुम्हें बताना है तो बताओ कि तुम्हारा कोई पास में रिलेशन था, ठीक है, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी ने मुझे प्यार नहीं किया था, या ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया था। तुम्हें ऐसा ही दिखाना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी अच्छी लाइफ है, ठीक है। तुम्हारी अच्छी लाइफ होगी ना तो लोगों को लगेगा कि यार इसके साथ रहकर मैं भी कुछ अच्छी लाइफ में एक्सपीरियंस ले सकूँगा। चौथी चीज़ है कि कभी भी ना तुम घबराहट मत दिखाओ। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है कि अगर कॉल नहीं किया तो एकदम से घबराहट उनको होने लगती है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि ठीक है कि अगर वो ऐसा नहीं करे तो तुम रिएक्ट मत करो, ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ें फोर्स करता है तो तुम वैसा मत करो कि उनको डायरेक्ट से जवाब दे दो, रुको थोड़ा। तो उनको लगता है कि नहीं 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 अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो छोड़ देगा। तो तुम क्या एक घबराहट बता रहे हो कि यार तुम चलो जाओगे तो मेरा क्या हो जाएगा लाइफ में। किसी भी तरह से रिलेशन के लिए या उस पर्सन के लिए ऐसी हड़बड़ी मत दिखाओ यार, ठीक है। तो उससे चीज़ क्या होगी कि उनको पता है कि यार देखो कैसा है, अगर मैं ना ऐसे रिमोट दे दूँ ना तो इंसान पागल हो सकता है, रोने लगता है, एकदम मेरे कंट्रोल में, मैं तो उसकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता हूँ। ऐसा मत दिखाओ कि उनके बिना तुम्हारा मतलब हाल खराब हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का हो जाता है ना कि अगर उसके पार्टनर उसको कुछ बोल दिया या उसने कॉल करना बंद कर दिया या थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। याद रखो ये वाली सिचुएशन है तुम्हारी उसके लिए, तो वो प्यार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार तुम एक ऐसे पर्सन हो, ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बन ही नहीं रहा ना, तो लोग बोर ही हो गए ना, फिर वो तुम्हें इग्नोर ही करेंगे ना, एंड एक दिन छोड़ ही देंगे ना। तो पूरी चीज़ों को हम फिर से एक बार रिवाइंड कर देते कि पहली चीज़ जो मैंने बताई कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कभी भी ऐसा सो ना करो कि तुम उनके साथ लाइफ टाइम रहने वाले हो। तीसरी चीज़, कभी मत बताओ कि लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया या किसी ने तुम्हें प्यार नहीं किया। चौथी चीज़ कि कभी भी उनको लेकर, इस रिलेशन को लेकर इतनी घबराहट सो मत करो कि तुम्हारे बिना हम लाइफ में बड़े अपसेट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो, रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप रिलेशन के बारे में छोटी छोटी स्टोरियाँ पढ़ना चाहते हो, आप कोट्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।
हूँ।